नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे बिजनेस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो भी मल्टीपल पेपर रहते हैं या फिर कोई पीडीएफ शीट हमारे व्हाट्सएप पे ईमेल पे आ जाती है, तो हम उसको माइक्रो वर्ड्स में यानी सबसे छोटे वर्ड में कैसे हम उसको जेरोक्स कर सकते हैं, ये मशीन से या फिर किसी भी मशीन से हम उसको जेरोक्स कैसे करेंगे, प्रिंट कैसे निकालेंगे, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप काम करिए, अगर आपके व्हाट्सएप पर आया होगा तो उसको आप सेव कर लीजिए डेस्कटॉप में या फिर किसी में भी। आप मेरे सामने देख सकते हैं, मैंने मेरे पीसी में एक सेव कर रखा है पीडीएफ का डॉक्यूमेंट, जिसे मैं अभी ओपन करूँगी। उस पर एक क्लिक करिए, डबल क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाता है। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने टोटल 24 पेज का ये पीडीएफ शीट आया है, जो कि एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था और उनकी ये डिमांड थी कि मुझे इसको माइक्रो एटीएम में उन्हें करके देना है। और जितने भी 24 ये शीट्स हैं, ये मिनिमम से मिनिमम कागज़ में मुझे उन्हें देना है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी आप देखेंगे आपके कंप्यूटर में इधर प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो माउस का बटन उस पर लेके जाइए और क्लिक करिए। ये देखिए, क्लिक करने के बाद इधर आपके प्रिंटर का नाम दिखा रहा है, जो भी जिस भी प्रिंटर से आपको प्रिंट निकालना उस प्रिंटर का नाम सिलेक्ट करिए। नीचे कॉपीज़ निकल रहे हैं कि आपको कितने कॉपीज़ चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, मुझे एक ही सेट चाहिए इसलिए मैंने एक ही किया है। उसके बाद ये पोर्शन में चाहिए या ये पूछ रहा है या फिर लैंडस्केप में, ये उसका मतलब ये होता है कि आपको पेपर आड़ा चाहिए या फिर सीधा चाहिए, मुझे सीधा चाहिए इसलिए मैंने पोर्शन सिलेक्ट किया है। इसके बाद पेजेस कौन से लेना ये पूछ रहा है, इसमें ऑल पेजेस है, ऑड पेजेस है। अभी इसमें आपको तीन ऑप्शन दिखा रहा है, एक तो ऑल, ऑड पेजेस या फिर इवन पेजेस। ऑड पेजेस यानी आप समझ सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9 ऐसा हिसाब से पेजेस रहते हैं। इवन बोले तो 2, 4, 6, 8 आपको हिसाब से आप पेज लगा सकते हैं। या फिर इधर आपको एग्जांपल भी दिया है कि आपको कौन से पेपर से कौन से पेपर तक चाहिए, इस टाइप में आप दिखा सकते हैं। ये देखिए, अभी टोटल ये 24 पेपर्स है, तो मुझे अगर 24 लेना है तो मैं इधर क्लिक करूँगी। ये देखिए, फर्स्ट में आप एक क्लिक करिए, एक क्लिक करने के बाद आप उसको हैश दे दीजिए और उसके बाद आप 24 या फिर 22, मैंने 22 पेजेस सेलेक्ट किया है, आप चाहे तो उतना भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप जितना चाहे। उसके बाद आपको इधर बता रहा है कि प्रिंट ऑन वन साइड, आपको वन साइड में प्रिंट चाहिए या टू साइड में प्रिंट चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी कि टू साइड मुझे प्रिंट चाहिए। आपका मर्ज़ी है, आप जैसे कस्टमर बोलता है वो हिसाब से आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट ऑन बोथ साइड्स मैंने इधर क्लिक किया है। इसके बाद आप काम करिए, मोर सेटिंग्स पे जाइए। ये देखिए, आप अगर मोर पे जाएंगे तभी आपको माइक्रो जेरोक्स का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाता है। इधर दिखाया है पेपर साइज जो लेटर में रखना ठीक रहेगा, एक्चुअल साइज़ रखिए स्केल का। अभी पेपर पेजेस पर शीट आपको इधर पूछा है। ये देखिए, इधर ही असली गेम चेंज हो जाता है, जो कि माइक्रो वर्ड्स का रहता है, माइक्रो जेरोक्स का रहता है, मेनली इधर ही है कि आपको। तो इधर देख सकते हैं आप, इधर 1, 2, 4, 6, 9, 16 आप मिनिमम एक पेपर पे 16 पेजेस तक ले सकते हैं। तो हम एक काम करेंगे, हमारे 24 पेजेस है, इस हिसाब से हम एक पेपर पे 16 पेजेस ये हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे कम से कम बहुत ही माइक्रो वर्ड्स आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा माइक्रो आ रहे हैं, क्योंकि मैंने एक पेपर पे 16 पेपर्स को ले लिया है। अभी आपको मैं काउंट करके दिखाऊंगी। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4 यानी 16 हो जाएंगे, ये नीचे तक आ जाएगा ये। और ये देखिए, स्क्रॉल करेंगे तो, और इस सेकंड पेपर पे बस 5 आ रहे हैं और फर्स्ट पेपर पे 16 पेजेस आ रहे हैं। इस हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा हो गया, जिससे कि मेरे ख्याल से ये दिखेगा भी नहीं स्टूडेंट को। इसलिए हम क्या करेंगे, पेपर के पर शीट पे इधर क्वांटिटी को कम कर देंगे, 9 कर देंगे। ये देखिए, 9 लेने के बाद आपको कितना आ रहा है, मिनिमम एक इस पे आपको आ रहा है 369। 9 जो है पेपर्स एक ही पेज पे आ रहे हैं। तो अब हम इसको प्रिंट करके देखेंगे, क्योंकि कम से कम जितना छोटा रहेगा उतना उनको कैरी करने के लिए भी आसान रहेगा। तो ये हो चुका है अभी, ये देखिए आपको कैसे दिखेगा, ये भी इसने दिखाया है कंप्यूटर ने। अभी एक काम करिए, ये सब हो जाने के बाद और एक बार चेक कर लीजिए कि आपने जो भी जानकारी डाली है वो ओके है क्या। ये मैंने प्रिंटर का नाम डाला, कॉपीज डाली, पोर्शन डाला, उसके बाद अभी आता है प्रिंट, तो हम क्लिक करेंगे प्रिंट के ऊपर। तो प्रिंट के ऊपर क्लिक करने से कमांड गई है मेरे HP के जेरोक्स के मशीन को, जो कि कमांड फॉलो करके अभी हम मुझे कुछ ही सेकेंड्स में इसके जेरोक्स मिल जाएंगे।
तो दोस्तों आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपकी भी इनकम अच्छे से बढ़ जाए और आपका भी शॉप में एक ऑप्शन हो जाए। ये सीखने के लिए मैंने ये आपको दिखाया था, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि जेरोक्स आए कैसे एग्जैक्ट। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो है कागज़ आ चुके हैं जो कि हमने माइक्रो एटीएम के लिए डाले थे। ये देखिए बोथ साइड से प्रिंट होके आया है जैसे कि मैंने इसको कमांड दी थी। दोस्तों ये बहुत ही छोटे अक्षर में है, बहुत ही छोटे अक्षर में, जूम करके देखेंगे तो ही अच्छे से दिखेगा, इतने छोटे अक्षर हैं। आप देखेंगे बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स हैं। मैं आपको शुरुआत से दिखाएंगे, शायद आपको भी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। मेरे मोबाइल से मैंने इसको ये किया है, वीडियो को शूट किया है। ये देखिए मैंने टू साइड डाला था इसलिए दोनों साइड से आया हुआ है। टोटली हमने 22 पेजेस जो है बस दो पेपर में हमने लिए हुए हैं। इसको अगर जूमिंग करके देखेंगे तो एकदम क्लियरली दिख रहा है सब कुछ कि एग्जैक्ट लिखा क्या है। तो दोस्तों आप भी ऐसा कुछ बनाना चाहे तो ज़रूर बनाइए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।